प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके हर एक रिश्तेदार पर पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया और विकास के रिश्तेदारों से कुछ ऐसे खुलासे करवाने की कोशिश यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने की ताकि उन सफेद पोशों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने इतने बड़े जुर्म को अंजाम देने में विकास की मदद की। मगर जैसे जैसे पुलिस विकास के रिश्तेदारों तक पहुंची, विकास के रिश्तेदारों ने उसे अपना मानने से ही इनकार कर दिया। हम आपको विकास दुबे की बड़ी बहन चंद्रकांता के बारे में बताएंगे। चंद्रकांता विकास के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई कहती है, विकास हमारे परिवार के लोगों से गाली गलौज करता, जान से मारने की धमकी देता। 5-6 साल हो चुके हैं, मैंने अपने गैंगस्टर भाई से मुलाकात तक नहीं की। विकास दुबे के बहनोई दिनेश तिवारी, उन्हें तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जब दिनेश तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं विकास को खुद गोली मार दूं क्योंकि उसकी वजह से मेरे परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो किया उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। अगर मेरे वश में होता तो मैं उसे गोली मार देता। विकास के पिता राम दुबे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बेटे को बचाने के प्रयास में क्या कह रहे हैं। आपको बता दें, अपराधी विकास दुबे के पिता ने सबसे पहले बयान में पुलिस से ये कहा कि जब घटना हुई मेरा बेटा गांव में था ही नहीं। दिनेश तिवारी कहते हैं, मैंने और मेरे परिवार ने 5 सालों से विकास से कोई रिश्ता नहीं रखा। हम उससे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। विकास ने मेरे बड़े बेटे को और मेरे पति को धमकी दी थी जिसके बाद मेरे परिवार ने उसके साथ सारे संबंध तोड़ लिए। विकास दुबे की बहन चंद्रकांता के बेटे ध्रुव ने कहा, पुलिस ने घटना के बाद रामकुमार दुबे को उनके घर पर छोड़ दिया है। हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, पुलिस को उनके ठहरने के कुछ और इंतजाम करने चाहिए। ध्रुव की बहन अनामिका कहती हैं, विकास मामा के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें इस मुद्दे पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें, विकास दुबे की बहन चंद्रकांता सीधे शब्दों में कहती हैं, उसने मेरे बेटे को धमकी दी, मेरे पति का जीना मुश्किल किया। ऐसे भाई के साथ मैंने 6 साल पहले ही तमाम रिश्ते तोड़ दिए थे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।